सनसनीखेज खबर है बहराइच जिले के मेहपुरवा से, जहां पर सुजौली क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित पिलर संख्या 92 के पास बने एसएसबी की एक कंपनी 70वीं बटालियन केतनिया घाट पर तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश चौधरी ने बीती रात करीब 9 बजे बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी सरकारी कार्बाइन राइफल से खुद को गोली मार ली। गंभीर अवस्था में उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोदीपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक एसएसबी के एसआई रमेश चौधरी पुत्र टीकू राम राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले थे। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। मोतीपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसएसबी के जवान का शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जवान की मौत की खबर मिलते ही एसएसबी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसएसबी के आईजी सौरभ त्रिपाठी और डीआईजी अभिषेक पाठक जवान की मौत पर जांच के लिए कतनिया पहुंच गए हैं। एसएसबी के अधिकारियों और थाना सुजौली के एसएचओ रामजी यादव समेत पुलिस बल की मौजूदगी में मृतक जवान के कमरे और मृतक के सुसाइड नोट को सीज कर दिया गया। एसएसबी के डीआईजी अभिषेक पाठक ने कहा कि जवान के सुसाइड नोट मिले हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुए जवान की मौत की जांच कराई जाएगी। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, क्या कारण है, क्या जानकारी है सर? ये कल रात तकरीबन 7:45 बजे की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि करतनिया घाट कंपनी में एसआई रमेश चौधरी जो पदस्थ थे, उनके द्वारा अपनी कार्बाइन से अपने को गोली मार ली गई है। तो इसमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंच करके जो बॉडी को मीपुरवा फिर बहराइच हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, और अभी बहराइच में पोस्टमार्टम के बाद में बॉडी को जो भी उनका गृह निवास है वहाँ भेजा जा रहा है। बाकी जो घटनास्थल था वो कल रात में ही सील कर दिया गया है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। जो डिटेल्ड हैं वो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी। मौत हुई है, क्या है ये पूरा मामला? ये भारतीय नेपाल बॉर्डर पर 70वीं बटालियन एसएसबी तैनात है, वहाँ के एएसआई श्री रमेश चौधरी थे। उन्होंने कल रात 7:45 बजे के आसपास अपने कार्रवाई से अपने सिरे पर गोली मार ली। घायल अवस्था में उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा था, रास्ते में मिहिपुरवा में उनको डॉक्टर को दिखाया गया तो वहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया। वहीं मोतीपुर थाना से उनका पंचायतनामा भरा गया और डेड बॉडी यहाँ मॉर्चरी के लिए मॉर्चरी में आई है और पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या कुछ पता चला कि किस वजह से आत्महत्या का कोई कारण पता चले हो? नहीं, अभी तो नहीं, एसएसबी के अधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई है। फिलहाल उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और एसएसबी की तरफ से उनके परिजनों को इस वक्त मौजूद हूँ कतरनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र के गिरुआ नदी के पार में, और हमारे जो आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं ये एक संदिग्ध परिस्थिति में एक एसआई की मौत हो गई है। जो कैंप देख लीजिए कैमरे में, जो कैंप है ये इसी कैंप के अंदर कल शाम लगभग 9:30 बजे एक एसआई रमेश चौधरी नाम के एसआई थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई से खुदकुशी की है। और जो यहाँ पे अधिकारी लोग मौजूद हैं खुदकुशी करने के बाद, लगातार डीआईजी और आईजी यहाँ पे मौजूद हैं और जांच चल रही है। सिविल पुलिस द्वारा उस कमरे को सील कर दिया गया है, उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पूरे आप कैमरे में फिर एक बार दिखा सकते हैं कि जो अधिकारी यहाँ पे डीआईजी हैं वो लगातार रात में ही यहाँ पे 11 बजे करीब आ गए हैं और 11 बजे से वो जाँच कर रहे हैं, और जाँच करने के बाद उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में जो भी होगा वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा किस स्थिति में उनकी मौत हुई। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।